उसके बाद बात करने जा रहा हूँ आपसे अबाउट विटामिन B12 डिफिशियंसी। वेरी इंपॉर्टेंट, विटामिन B12 डिफिशियंसी बहुत कॉमन है इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, बहुत ज़रूरी चीज़ से हो जाती है इसकी डिफिशियंसी। दैट इज़ सब एक्यूट कम्बाइंड डीजेनरेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, विच स्टैंड फॉर SACD, सब एक्यूट कम्बाइंड डीजेनरेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। सो सबसे पहले विटामिन B12 डिफिशियंसी कैन अकर ड्यू टू एबसेंस ऑफ इंट्रेंसिक फैक्टर सिक्रीशन, एबसेंस ऑफ इंट्रेंसिक फैक्टर सिक्रीशन बाय द स्टमक, एबसेंस ऑफ इंट्रेंसिक फैक्टर सिक्रीशन बाय स्टमक। अच्छा, अब ये किन किन कंडीशंस में होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल ऑफ देम आर योर MCQ, शॉर्ट क्वेश्चंस MCQs में आ सकते हैं सब सारे के सारे। सबसे पहला पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि देर इज ऑटो इम्यून गैस्ट्रिक म्यूकोजल डैमेज, ऑटो इम्यून, ठीक है, ऑटो इम्यून होता है, गैस्ट्रिक म्यूकोजल डैमेज होता है, ठीक। उसके बाद नंबर बी क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस, क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस, ठीक, इसमें हो सकता है। उसके बाद नंबर सी, सी फॉर कार्सिनोमा, सी फॉर कार्सिनोमा, तो सी इज गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, ठीक। उसके बाद डी फॉर माल अब्सॉर्प्शन, माल अब्सॉर्प्शन, ये किन डिजीजेस में होता है प्लीज यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। उसके बाद इफ द डिमांड इज इंक्रीज्ड, ई इज बेसिकली इंक्रीज्ड डिमांड, डिमांड बढ़ जाए, मैंने बताया था इम्बैलेंस बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड, या तो डिमांड बढ़ जाए या फिर सप्लाई कम हो जाए, मतलब न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, क्लियर। अब इसके मैनिफेस्टेशंस क्या क्या होते हैं, ये बंदा या बंदी प्रेजेंट कैसे करेगा या करेगी। सबसे पहला मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, बताओ पैथोलॉजिकल पिक्चर क्या होती है इसकी, पैथो पढ़ा है ना, हाँ बोलो, वेरी गुड। न्यूट्रोफिल्स विद हाइपर सेगमेंटेड न्यूक्लियाई, न्यूट्रोफिल्स विद हाइपर सेगमेंटेड न्यूक्लियाई इज द कैरेक्टरिस्टिक पिक्चर, एंड जायंट प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स इतने बड़े बड़े मेगा कैरियोसाइट्स बन जाते हैं, ठीक है, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं प्लेटलेट्स, ठीक है, मेगा कैरियोसाइट्स बन जाते हैं। उसके बाद दूसरा इन्फ्लेमेशन ऑफ द टंग, कोई भी चीज़ टंग से रिलेटेड होती है तो ग्लॉसस आते हैं उसमें, सो इन्फ्लेमेशन ऑफ द टंग इज नोन एज ग्लॉसाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द टंग इज नोन एज ग्लॉसाइटिस। और तीसरा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंसेस, दीज कैन अकर ड्यू टू डैमेज टू एपिथीलियल स्ट्रक्चर्स, डैमेज टू एपिथीलियल स्ट्रक्चर्स, डैमेज टू एपिथीलियल स्ट्रक्चर्स, इसकी वजह से हो सकता है, ठीक। उसके बाद नंबर फोर पे आता है न्यूरोलॉजिकल फीचर्स, न्यूरोलॉजिकल में मैंने आपको बताया ही था सबसे इम्पोर्टेंट, सब एक्यूट कंबाइंड डीजेनरेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, सब एक्यूट कंबाइंड डीजेनरेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। इसके अलावा पेरिफेरल न्यूराइटिस, पेरिफेरल न्यूराइटिस, पैरेस्थीजियाज, डिप्रेस्ड स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस, डिप्रेस्ड, कौन सा होता है इसका वो एफरेंट डिफरेंट स्ट्रेच रिफ्लेक्स, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, डिप्रेस्ड स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस, मेंटल चेंजेस, ठीक, मेंटल चेंजेस। अब ये तीन तरह के हो सकते हैं मेंटल चेंजेस, एक
पुअर मेमोरी, दूसरा मूड चेंजेस, और तीसरा हैलुसिनेशंस, आवाज़ें सुनाई देना, चीज़ें दिखाई देना, ठीक, ये हो गया, ठीक। सो ऑल दीज आर द मैनिफेस्टेशंस ऑफ विटामिन बी12 डिफिशियंसी।